पता नहीं, फिर मुझे पता चल रहा है। फाइनली हम दोनों साथ आ गए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखी व्लॉग। सो अभी मॉर्निंग हो गई है और अभी सुबह के बज रहे हैं 11। हूँ अपने मामू के घर पे। एक्चुअली ये भी मेरी नानी का घर है, बट ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक्चुअली सबका टेरिस बहुत अच्छा अच्छा है, तो मैं वहाँ पे जाके दिखाऊंगी, मुझे सबसे ज़्यादा वही पसंद है। सो अभी आज है जुम्मा, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो अभी चलते हैं, पहले फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी, तो नहाने का टाइम आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। सो अभी मैंने सब कपड़े वगैरह ले लिए। एक्चुअली हम लोग रुके यहाँ पे, रुके नहीं, हम लोग का सामान यहाँ रखा है और हम लोग रुके इधर पे अपने घर के पास, अपने घर पे। तो उसके लिए मुझे वहाँ प्रेस करने जाना पड़ रहा है। एंड गाइज, मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि हम लोग के घर के जस्ट जस्ट नज़दीक नदी है, जो कि बहुत खूबसूरत है। पहले तो ये नदी पूरी यहाँ तक थी, फिर कम होते होते पूरी वहाँ चली गई है। तो अगर मैं एक दिन और एक दो दिन और रुकती तो शायद मैं जाती ना इफ़त, लेकिन मैं आज जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे सब बच्चे जुम्मा की तैयारी में क्या नहा रहे फटाफट। एक्चुअली इन लोग जाके पहले नदी में भी नहा के आए हैं, फिर यहाँ पे भी आकर नहा रहे। बहुत कड़क वाली धूप है यार। ओह, ये मेरी खाला का घर है जहाँ पे मैं हूँ। सामने मेरी नानी का घर है, फिर मेरे मामू का घर है, सबका घर है इधर पे, सब आसपास में ही रहते। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे करीब में नदी है, बहुत अच्छा लगता है। पहले ये नदी पूरी यहाँ आगे तक थी, फिर ये पानी कम होते 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 वहाँ तक पूरा पहुँच गई। और अभी इफ़त यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रही है, लेट लतीफ़। हाँ, मैंने कर चुकी सारा। A few moments later. So, फिलहाल अभी हम लोग ने खाना खा लिया और अभी हम लोग इधर पे आके ऐसे खड़े हुए थे। धूप तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही मज़े लेने के लिए थोड़ा सा आ गए, क्योंकि मैं अभी थोड़े टाइम में चली जाऊँगी। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छे से दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और यही मेरी नानी का घर है, हम लोग इधर ही रहते हैं। और ये मेरी सिस्टर का घर है। यस, तो हम लोग यहाँ पे भी रुके हैं, वहाँ पे भी रुके, मतलब एक जगह सब लोग नहीं रुके, अलग अलग रुके हुए सब लोग। सभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई। चलो, और अभी शाम के बजने वाले हैं 5 और मैं थोड़ा रेडी हो गई हूँ, बिकॉज एनवी ब्लॉग्स आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। सो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ और अभी रास्ते में है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। तो मैं पूरा फुली रेडी हो गई हूँ, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। एक्चुअली मैं रेडी तो कब से थी, बट अभी पूरा प्रॉपर रेडी हुई हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में मैं अभी यहाँ रहूँगी और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। फाइनली अब मैं जाने वाली हूँ, बहुत टाइम से मैं इंतज़ार कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा यहाँ पर आके बहुत वो इसलिए लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी। क्या करे, झेलना होगा इस गर्मी को। सभी नीचे चलते हैं। तो फिलहाल एनवी ब्लॉग्स तो आ गए हैं और अब मेरा जाने का टाइम हो गया, तो मैं बुरखा लेने के लिए आई थी, अपना बुरखा ले लेती हूँ मैं। ये मेरा स्कार्फ, तो मैं नीचे लेके चलते हैं, और मेरे यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए, वो भी ले लेती हूँ। रस्म है जो मतलब घर जाती है लड़की लोग, तो मतलब मायके से करके भेजते हैं, तो वही हो रहा है। निक्की अपने ससुराल वापस जा रही है ना, इस वजह से। कैसा लग रहा है निक्की, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गर्मी भी बहुत लग रही है। A few moments later. So finally हम दोनों साथ आ गए और मैंने वहाँ पे ज्यादा शूट नहीं करी। किसने किसने मुझे मिस किया? सबने, बहुत ज्यादा। तब क्या, सब कमेंट में यही बोल रहे थे कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। और मैं घर पे ज्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़े मतलब घर पे लोग थे, तो मैं कैमरा नहीं मतलब ऑन कर पाई। कैमरा फ्रेंडली नहीं है ना, सबको पसंद नहीं है, इसकी वजह से मैं भी ज्यादा नहीं शूट किया। तो अभी फिलहाल हम लोग घर से निकल गए हैं। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पहुँचते पहुँचते भी थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए।
एंड गाइस मुझे इतना ब्यूटीफुल सा सरप्राइज मिला है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग वो जाके तुम्हारे चैनल पे देखें, एनवी व्लॉग्स पे, ये सब करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा कि मैंने कभी सोची भी ना थी। तुमको सरप्राइजेस पसंद है ना? बहुत ज़्यादा। चलो घर पे देखो कितना सरप्राइज है। बैंड बाजा बहुत डीजे कुछ भी कितने दिनों के बाद मिले हो फिलहाल। अभी हम लोग आ गए हैं अभय सिंह ढाबे पर। चलो अभी हम लोग कुछ खाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं और अभी हम लोगों ने अपना खाना भी ऑर्डर कर दिए हैं, जो भी खाना है ना नाश्ता हम लोग ने किए हैं, चिकन फ्राइड राइस एंड एक पराठा, एक पनीर पराठा। तो अभी बहुत तेज़ भूख लगी है और जल्दी हमारा जो भी आ नहीं रहा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या कैसा लग रहा है? क्या मेरे से मिल के इतने दिन के बाद तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशी का पता चल रहा है और मेरे चेहरे से नहीं पता चल रहा। मारूंगी अभी, मेकअप लगाया ना इसलिए दिख ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं, अभी यहाँ पे स्टोरी स्टोरी लग रही है सब। फिर हम लोग ने जो भी ऑर्डर किए थे आ गया, मैंने ये रहा पनीर का पराठा। सो हम लोग ने खा लिए जो भी खाना था और अभी बिल ऐसे क्यों खड़े हो, ज़्यादा खा लिए क्या? हम लोग यहाँ से निकल रहे ना, ये सब डायरेक्ट घर रुकेंगे। यस सब गंदा हो जाएगा, तुमको गाड़ी साफ करना पड़ेगा। हाँ कर दूंगी, इसमें क्या। अरे अरे चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर है हम लोग और घर पे, और सब इतना सारा यहाँ पे ये सब लगा हुआ है कि हम लोग की गाड़ी निकल नहीं पा रही है। फाइनली हम लोग पहुँच गए और मैं बहुत दिनों बाद अपना रूम देख रही हूँ। साफ साफ तो है लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत गंदा गंदा भी है। कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई हूँ ना, और अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। रूम में तो ऐसा लग रहा है कि अजीब सा ही लग रहा है, एकदम गरम गरम सब आ रहा है, पंखे की हवा भी गरम लग रही है। एक्चुअली दिन भर में धूप इतनी ज़्यादा होती है कि गरम हो जाता है, और ऊपर कोई रूम भी नहीं है ना, इसलिए गर्म हो रहा है ज़्यादा नीचे, और लाइट भी स्लो फास्ट हो रही है। कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा अभी एक दो दिन के बाद, चलता है इतना। और मेरा सामान देख लो कितना ज़्यादा है, अब मुझे सुबह में इसको भी रखना होगा सब अच्छे से। और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, इसे बोला भी नहीं जा रहा है, तो चलते खाना खा लेते हैं। A few moments later. So, हम लोग ने अभी खाना वगैरह सब खा लिए और अभी हम लोग बैठे थे, और अभी रात के कितने बज रहे हैं, 12:30, और मुझे नींद बहुत ज़्यादा ही आ रही है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, बाय। बड़ा चमक रहे हो, किस खुशी में? पहले बताओ किस खुशी में?